सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सकारात्मकता की माटी में पनपने वाला पौधा ही एक दिन विशाल वट वृक्ष बनता है। आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता का नेतृत्व करता है। कर्मों को प्राथमिकता देने वाली हर नर का जग में सत्कार होता है। जीवन में आशावादी होना ही सफलता की सही पहचान है। सच्चाई का रास्ता जितना कठिन है ये रास्ता उतना ही सरल भी होता है। आज का पंचांग 18 अगस्त 2024 दिन रविवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि, रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 10:14 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:17 से 6:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 18 अगस्त 2024 दिन रविवार, दुर्घटनाओं या मरम्मत को लेकर हुई बहस आपके तनाव का कारण बन सकती है। कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। गपशप और अफवाहों को नजरअंदाज करें। आपके दुश्मन आपकी सफलता को देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहें। आपके कार्यक्रम या अप्रत्याशित परिवर्तन दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आप में से कुछ को नए और दिलचस्प व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। इस क्रियाशील दिन में आपके लिए अनंत संभावनाएं हैं। जीवन को केवल एक ही चीज स्थायी असहनीय अनिश्चित बनाती है और वह भविष्य के बारे में पता ना होना। सोसाइटी या सामाजिक क्रियाकलापों में अपना योगदान अवश्य दें। इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा, साथ ही अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित रहें। सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। एक समय पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, प्रयत्न जारी रखें। पैसों से जुड़ी समस्या बड़ी नहीं है, फिर भी लोगों के द्वारा डाले गए दबाव के कारण तकलीफ हो सकती है। आपको अपने स्किल्स का सही तरीके से उपयोग करना होगा। परिवार के लोगों की इच्छा और आपकी करियर से संबंधित इच्छा गलत होने से निर्णय लेने में वक्त लगेगा। पार्टनर और आपको बातचीत करते समय सतर्कता रखने की जरूरत है। बेवजह विवाद होने की संभावना भी बन रही है। सावधानियां, इस समय विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ध्यान रखें कि कोई आपका नजदीकी आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। किसी वस्तु की खरीदारी करते समय उससे संबंधित जानकारी अवश्य लें। बात करते हैं लव लाइफ की। करीबी व्यक्ति से मिला धोखा आपको परेशान कर सकता है, किंतु आप हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक नई शुरुआत के लिए यह समय बेहतरीन है। अपने आकर्षण का प्रयोग करके नए दोस्त बनाएं व रोक बाधाओं या ऋण से बचने के लिए समझदारी से काम लें। किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात आज आपके कार्ड्स में है। छोटे छोटे मतभेदों के कारण आज आपका ध्यान अपनी लव लाइफ पर होगा। जिंदगी आपको नए मौके दे रही है, इसलिए उनका पूरी तरह से फायदा उठाएं। अपने साथी के नई मांगों को पूरा करने में भी कुछ समय निकाले, इससे आपकी प्यार और भी महकेगी। बात करते हैं करियर की। आप अपने बिजनेस और नौकरी के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं और आपने नई पहचान नीतियां भी विकसित की हैं। आपके अधीनस्थ और आश्रित भी सहयोग कर रहे हैं, इससे आपका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। पालतू जानवर और मुकदमेबाजी में भी समय व्यतीत हो सकता है। जीवन में आए अप्रत्याशित परिवर्तन आज आपको चिंतित करेगा। अतिरिक्त काम आपकी बहुमूल्य छुट्टियों को स्थगित करने के लिए मजबूर कर सकता है। आप में से कुछ लोगों को आज नए और रोचक व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिलेगा। आज का गतिशील दिन भावनाओं से भरा है और यह जीवन की अनिश्चितता है जो हर दिन को खुशनुमा बनाती है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। आज बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है।
कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में मन मुताबिक गतिविधियां होगी। बात करते हैं सेहत की। मौसमी बीमारी जैसे एलर्जी या खांसी जुकाम की दिक्कतें रहेगी, आयुर्वेदिक इलाज लें। शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रखें। आज का उपाय, आप सूर्य भगवान को अधैर्य देते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।